government college, students and office staff of the university, and to all the participating universities and the media persons especially for their continuous support and enthusiastic participation. I am extremely grateful to the Honorable Vice Chancellor for his blessings, guidance and motivation to organize this grand festival. Best of luck to all the teams and thank you once again. और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ सैमसन रेविट साहब को कि वे आए और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। The Education Minister, Professor Vasudev Devnani Sahab, Vice Chancellor of this beautiful, lovely university, Professor Kailash Sodhani Sahab, Vice Chancellor, my colleague, Raksha Praveen Ji, my young colleague, Naren, who is sitting here. आप सबको सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। इंतजार हो रहा था और वो घड़ी आ गई कि 30वां और इस वर्ष का पहला 5 जोनल में से फर्स्ट फेस्टिवल इस साल का आगाज जो हो रहा है, आरंभ हो रहा है, वो इस खूबसूरत एमडी सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। ये एक अपने में एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक पल है जिसका बहुत बड़ा श्रेय यहाँ के वाइस चांसलर को इसलिए जाएगा क्योंकि वाइस चांसलर साहब को मैं बहुत करीबी जानता हूँ। 2 साल पहले उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो प्रवीण माथुर जी रोल यहाँ कर रहे हैं, वो रोल सोलंक आपने कैलाश सोदानी साहब ने वहाँ पे निभाया था और इतना बाखूबी निभाया था कि जिसकी वजह से कोई नज़र नहीं आया कि बेस्ट जोन किसको दिया जाए। सिर्फ कैलाश सोदानी साहब का नाम जिक्र हो रहा था और टोटल क्रेडिट मैं सर आपको देना चाहूँगा इस बड़े आयोजन के लिए। बहुत खूबसूरत आपने ये यहाँ पर आयोजित किया है। मैं और भी कुछ बताना चाहूंगा कि मेरे लिए पर्सनली व्यक्तिगत तौर से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 30 साल से ऊपर हो चुके हैं और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। वो इसलिए क्योंकि आप सबको जब मैं देखता हूं अलग अलग जोन्स में जाके, मेरे खून को रवानी मिलती है, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, दिमाग चलता है, मेरा हृदय जो है उसमें तालियां बजती हैं, संगीत बजता है, गाना बजता है और पूरा भारतवर्ष का युवा जो है उनकी रूह मेरे अंदर, आत्मा इतनी सुंदर समा जाती है कि मैं उसी प्रकार नजर आता हूँ जैसे आप 18-20-22 साल के हैं। ये बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है। 30 साल हो गए हैं बल्कि ज़्यादा हो गए हैं मैं इन विश्वविद्यालय के जो यूनिफेस्ट हो रहे हैं को लगातार करा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जिसे हिंदी में भारतीय विश्वविद्यालय संघ है, तकरीबन 723 भारत में ऐसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हैं और करीबन 37,000 कॉलेजेस हैं जहां के सारे लोग जो हैं विश्वविद्यालय पे, उनका एक क्लब है जिसको इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। उसके तत्वाधान इन फेस्टिवल्स को जिनको एक्रोनिम में यूनिफेस बोलते हैं, तो यूनिफेस फेस्टिवल हम हर एक साल कराते हैं। और बड़ी सूचना मैं दूं कि 60 साल तकरीबन हो चुके हैं इन यूथ फेस्टिवल्स को कराते कराते। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कल्चर अर्ली 50s के अंदर तालकटोरा गार्डन्स के अंदर बहुत बड़े यूनिफेस्ट कराती थी, यही जहां से हरिप्रसाद चौरसिया साहब, शिव कुमार शर्मा साहब, अमजद खान गब्बर, देवू चौधरी वगैरह वगैरह बहुत बड़े कलाकार निकले। और एक खामोशी के बाद थोड़े अरसे के बाद सन 1985 में फिर से इनको स्टार्ट किया गया। तब से मैं इन्वॉल्व हूँ। अभी जो आप देखते हैं, चाहे वो आशुतोष राणा है, चाहे विवेक ओबेरॉय है, चाहे कपिल शर्मा है, चाहे भारती है, चाहे दिव्या दत्ता है, मीडिया में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, कोर्ट्स के अंदर, जुडिशियल सिस्टम में, विश्वविद्यालयों में, वाइस चांसलर्स वगैरह वगैरह इन्हीं यूथ फेस्टिवल से निकले हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि
पांच विधाएं जो हैं म्यूजिक डांस थिएटर फाइन आर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज, तो लिटरेरी एक्टिविटीज में से जो है हमारी बड़ी प्रतिभाएं हैं वो आजकल बड़े बड़े जुडिशियल सिस्टम में चाहे लगा लीजिए, चाहे आपके न्यूज रीडर्स हैं चाहे एंकर्स हैं, वो सब यहीं से निकले हैं ज्यादातर। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जिसको ने AIU को साथ मिलकर इन फेस्टिवल्स यूनिफेस्ट को कराने का देश भर में एक जो बड़ी मुहिम छेड़ी है, हर साल 5 जोनल और एक नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है, ये पहला है जैसे मैंने बताया। इसके बाद जो है सेंट्रल जोन का जो है ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है, फिर उसके बाद रांची विश्वविद्यालय में ईस्ट जोन का है, और फिर उसके बाद जो है वो जम्मू विश्वविद्यालय में नॉर्थ जोन का है, और इस तरीके से हमारी आखिरी जो है वो टुमकुर यूनिवर्सिटी एक बेंगलोर के पास जगह साउथ जोन होगा। वहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस 27 इवेंट्स के बेस्ट जो हमारी टीम्स होंगे एकल या ग्रुप में वो नेशनल में होंगे। नेशनल 12 से 16 फरवरी इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। आखिरी खबर साउथ एशियन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल जिसको SOFEST बोलते हैं वो उदयपुर में इस बारी होने वाला है मार्च, थैंक यू सो मच, 11 से 15 2015 में। दोस्तों ये एक शक्ति है, यदि हम कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्यों में नहीं लगाएंगे शक्ति को तो बिखर जाएगी। युवा का मतलब ही है वायु, उल्टा कर दीजिए, और वायु का मतलब है अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ऊर्जा, बिजली, अच्छी अच्छी पंचक्कियां सहलेंगी, उसी को अगर तेजी से वायु को चलाओ तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। हमें कंस्ट्रक्टिव करना है, ये कंस्ट्रक्टिव कार्य है, ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये आपस में ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है, मोहब्बत इजहार करने का, इश्क इजहार करने का, प्रेम संवेदना एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का मौका है। चिराग तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है, बहुत अंधेरा है दुनिया में, इसको खत्म करना है हमें अपनी युवा शक्ति के नूरानी चेहरों से। दुनिया बदल चुकी है, बदलती है, मोबाइल कंप्यूटर सब विडंबना है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी खतरनाक है। हम बढ़ते जा रहे हैं, 100 साल की जिंदगी 50 साल में जी रहे हैं, 50 वाले 25 में जी रहे हैं, खत्म होती जा रही है वैल्यूज को मेंटेन सस्टेन करने के लिए। कल्चरल हेरिटेज भारत की 5000 से भी ज्यादा पुरानी ये कल्चरल हेरिटेज संपदा को हमें आगे प्रिजर्व करना है इन फेस्टिवल्स के दौरान। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सारी टीम्स को, हमारे मीडिया को, हमारे शिक्षकगण को, और जितने भी लोग इस एहतमाम में लगे हुए हैं AIU की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाइस चांसलर साहब प्रवीण माथुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। We'll be right back.
तमाम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट Thank you.
मुंबई, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, तुरंत संपर्क करेंगे। हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कैलाश सोडानी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, इस मंच से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर डी एस चुनावत साहब जो कि बीएसडब्ल्यू हैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के, इस मंच से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सैमसन डेविड साहब, मैं इस मंच से उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ छात्र संघ अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा से कि वे आए। आई वी त्रिवेदी साहब, क्षमा कीजिएगा, आई वी त्रिवेदी साहब, प्रोफेसर डी एस प्रवीण माथुर साहब, मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि प्यारे आदरणीय कुलपति महोदय और यहाँ उपस्थित टीचर्स और स्टूडेंट्स, ये जो किताब है ये हम पिछले दो साल से इस पर कर रहे थे। 54 से जितने यूथ फेस्टिवल्स हुए हैं उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमने की है। जवाहरलाल जी नेहरू जो पहले चीफ गेस्ट थे इस फंक्शन के, वहाँ से लेके आज तक पूरी इसमें हमने कोई 1500 फोटोज़ कलेक्ट की पुरानी, जिसमें से 150-200 जो फोटोज़ हमने छापी हैं। 79 जो वाइस चांसलर्स और मिनिस्टर्स हैं उनके मैसेजेस हैं इसमें। ये एक बहुत बड़ा काम था और इसमें डेविड जी की जितनी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो इसको हमने वेबसाइट पे भी लॉन्च किया है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी एफर्ट थी और इसमें हमें AIU का पूरा साथ मिला, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का पूरा साथ मिला। इस किताब को छापने पे लगभग 3 लाख रुपए खर्च आए और हमने किसी गवर्नमेंट एजेंसी से इसके लिए पैसे नहीं लिए, कोई ग्रांट नहीं ली, सब ने अपने आप इकट्ठा करके इसको छपवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। प्रोफेसर आई वी त्रिवेदी साहब, वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर कैलाश सोडानी साहब, प्रोफेसर डी एस चुनावत साहब इस समय इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। हेलो, 30वें हमारे वेस्ट जोन यूथ फेस्टिवल के दूसरे दिन आज हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर आई वी त्रिवेदी, वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय हमारे बीच मौजूद है। मैं MBS यूनिवर्सिटी अजमेर की तरफ से प्रोफेसर आई वी त्रिवेदी साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैंने 27th ये हो रहा है 30वां यूथ फेस्टिवल जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में
दिसंबर 2011 में संपन्न हुआ था, आप ही के नेतृत्व में मैंने ये कार्य सीखा था और उसी की प्रेरणा से आज ये 30वां संपन्न अजमेर में हो रहा है। एक बार पुनः मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं, हमारे भाषण सुनने नहीं आए ये मुझे पता है। मैं